देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम यहाँ बाथरूम में किशन, तीन फेरा खत्म होके ही वाला रहे और ओकर बाद हवन कुंड से धुआं निकले, लाइट बंद भई। धोनी घड़ी के टाइम एडजस्ट कर ली ताकि जब आप लोग के होश आए तब के पता ना चलल कि कितना टाइम निकल चुकल बा। और उहे बीच सैंटी बेहोश अग्नि के बाथरूम में बंद कर देले ताकि हम ओकर जगह ले सकी। साक्षी, तहरा हमरा दिल में तका, इस घर में भी कबो जगह ना बन सकेला। एगो माँ होके के नाते हम तहर दर्द समझ सकत अनिल, बस थोड़ा सा वक्त दे दा हमके। बेटा, तोहार पापा के वादा बतौरा से अग्नि के ही तोहार पति बने के हक मिली। हाँ किशन, तहार पापा के फैसला में हम भी उनका साथ बानी। तहार पत्नी अग्नि ही बनी, देखा इधर हमार तरफ, अपन माँ पे भरोसा बाना तो की। हेलो, पीलो, बस करो बेटा, पानी पी लो। मम्मी, अब का होई? ओके के काबा बेटा, बस तोहर पापा के काम आसान हो गइल बा। दूदू को दुल्हन होखला के बाद भी ई शादी मान्य नहीं खे। अब हम अपन काम पहले से बेहतर तरीका से पूरा कर सकतानी। और जब बीवी के ही पता नहीं खे तो प्रॉपर्टी पे क्लेम के करी। जय महाकाल। ए गोलू, रोत कहे बड़े बे? ला लड्डू खा, लड्डू खा। है अरे पापा, ना ना, अरे खा ना, ला थोड़ा सा, हमारा राजा बेटा। तू तो आज बहुत खूबसूरत लग रहा बड़े है। ला ला, तू खा ला ना। हम क्या नेके खाए के? अरे खा ना। अरे नेके खाए के तू ही खा। अरे तू मत खा, हम खा ले। आज यहाँ जे कुछ भी भइल वो ना होके के चाहिए। साक्षी वो दो जिंदगी के साथ खिलवाड़ कैले बाड़ी और कर गलती के सजा हम केहू और के भुगते ना दे। और इहे खातिर साक्षी के साथ भइल शादी के हमने ना मानब। देवी, का करत पानी आप? आपके पता बाना जे कुछ भी भइल वो गलत बा। अरे एक के बेटा बा किशन हमार, ओकरा हम दुखी ना देख सकेले। हमार जीवन में एक के मकसद बा कि ये खुश रहे। अरे ये उल्टा गंगा कहाँ से बहे लागल? अगर ये लोग साक्षी के घर से निकाल के अग्नि के घर के बहू बना ले लेता, हमार प्लान तो चौपट हो सका था। संजय, का करत पड़ा? तो फिर भी लागत बा कि हमने गलत बानी। बड़का भैया, आपके कहल पत्थर के लकीर बा। कबो भी टल्ले नहीं की हम, लेकिन आज एक बात हमार भी सुन ली। इनकरा आज घर से बाहर निकाल देम ना तो बाहर समाज में जाके हमने खानदान पे कीचड़ उछली है। यही से जौन कुछ भी बाप हम चाहता नहीं कि हमने के घर के मामला घर में ही सुलझ जाए तो अच्छा बात, चार दीवारी में ही रहे। बाकी बाप जब सब लोग जौन चाहिए ओकरा में हमारा भी मंजूर बा। गुड इवनिंग मैडम। आप यह साक्षी सिंह के बारे? साक्षी सिंह ना, साक्षी किशन ठाकुर कहीं। अब हमने के घर के बहू हा, बताई का बात है? उनका खिलाफ अरेस्ट वारंट बा। का अरेस्ट वारंट? ये का बोल रहा बानी आप? और आपके के बोले ले भाई? यहाँ हम किशन, किशन हम आपके कॉल के लिए रहनी इंस्पेक्टर साहब। ई हमरा से धोखा से शादी के लिए, हमके तकलीफ पहुंचावे की कोशिश के लिए, हमने सबके तकलीफ पहुंचावे की कोशिश के लिए फ्रॉड के लिए बाड़ी। फ्रॉड हमने सबके साथ फ्रॉड के लिए बाड़ी। आई थिंक फ्रॉड बहुत बड़ा जुर्म हो खेला। इट्स अ क्राइम। अरेस्ट करिए करा के, डाल दिए करा के लॉकअप में। इनका अरेस्ट कर ला। सुनी एक घर में जौन कुछ भी हो रहा बना वो ठीक नहीं खे हो, पता ना आ गया और का होके वाला बा। सविता, सविता आप जाइए। जी अच्छा। अंदर आ जा। साक्षी, देवी सब कहाँ बा? दीदी आपके अंदाजा बा कि आप का कहिली? देवी, जौन कुछ भी कैले बिया ना उपते गलत कैले बिया, और अगर गलती का सजा के मिले के चाहिए। आपके पोती गलत हो सकेले, लेकिन अब साक्षी घर के बहू है। और ठाकुर खानदान कबो ये पसंद ना करी कि घर के बहू के लॉकअप में रात बितावे के पड़े। इका कहा था नहीं आप? आपके खातिर आपके अपन बेटा की फीलिंग्स कोनो मायने रखेला कि ना बताई? हमार फीलिंग्स के काम ये लड़की ये धोखा देले बड़ी। आप जाना था नहीं ना ये का के ले बड़ी? ये अपन बहन के ही ना, अपन दादी के ही ना, हमने सबके धोखा देले बड़ी। माँ चीट कैले बड़ी, कितना गिरी, कितना गिरा हरकत के लिए। और आप कैसे कैसे माँ हम ये लड़की के कबो माफ ना करब। माँ हम ये लड़की के कबो माफ ना करब, कबो ना, नेवर। जेची आप जे कहनी ना वो ठीक ना कहनी। देवी आप ही लड़की के घर में लावे के इतना बड़ फैसला खुद ले लेली, हमरा से पूछे की जरूरत भी ना समझ ले। अरे पूछल तो दूर, आप तो हमने से बात भी ना कहली। बस करी, बहुत हो गए। हम मनने की साक्षी बहुत बड़ गलती कैले पिया, इस सरासर गलत था। और यहाँ तक कि हम ओकर साथ खड़ा नहीं थी, लेकिन रीति रिवाज, मान मर्यादा, विधि विधान इके बदलल ना जा सकेला। अरे हमने के किशन खुद अपने यही हाथ से साक्षी के गले में मंगलसूत्र बंध ले। पवित्र अग्नि का फेरा ले लस। देवी हम तो हर बात मानते नहीं, लेकिन ये जौन कहले बिया हो छल हा। और अग्नि के साथ जौन तीन फेरा किसा ले बा, वो पूरा मन से लेहलस। बिल्कुल सही कहा तानिया आप दादी, और यह तो सच बा। और बड़ी माँ हम भी यह सच के माने ली। हम सिर्फ वो तीन फेरा के माने ली जो हम अग्नि के साथ ले बन। पता बा काहे कि अग्नि और हम दिल से फेरा ले, मन से फेरा ले। साक्षी की तरह छल करके फेरा ना लेनी। बड़मा आंख में देखी हमारा, सिर्फ अग्नि से प्यार करेली हम ही दुनिया में। अग्नि के जगह दे सकेली का हम के होके, कबो ना। और साक्षी के तब बिल्कुल भी ना। ठीक बा, अग्नि के साथ फेरा के तू माने ला ना, तो वही तरह साक्षी के साथ लेहल फेरा के भी ताके माने के पड़े। ओकरा गला में तू जंतु ये हाथ से मंगलसूत्र बंधले बड़ा ना, वो हो के माने के पड़ी। और ओकरे माथे पर जन सिंदूर लागल बा, वो हो के माने के पड़ी। बेटा साक्षी अब घर का बहू है, और शादी शादी बहुत ही पवित्र बंधन हो खेला, बहुत ही पवित्र रिश्ता हो खेला। वाओ, कितना गहरा बात कह देनी आप बड़मा। अरे लड़की वह पवित्र रिश्ता के मजाक बना देली सबके सामने, और फिर भी होकर सपोर्ट कराता नहीं। अब देख ना सकेली माँ, क्या कहा था नहीं? और जौन इंसान रिश्ता की कदर ना जानत हुए ना, उनकर अहमियत ना जानत हुए ना, हम वो इंसान के कबो इज्जत ना कर सकेली, कबो ना। बस बहुत भाई, आज तक देवी जौन भी फैसला ले ली, हमनी ओमे कबो कोनो सवाल ना खड़ा कैले बानी। बाकी आज हम देवी बहू के फैसला से सहमत नहीं थी, और ना ही शादी से। पंडित जी जौन कही है, जौन फैसला ली है, वो तो माने के पड़े ही। लेकिन जौन स्थिति में शादी भइल बा ओकर हिसाब से जितना हक अग्नि के बहू कहलावे के बा उतना ही साक्षी के भी बा। अम्मा जी ये आप का करल बनी? मतलब कि दोनों? जब तक पंडित जी के फैसला ना आ जाला किशन पर भी दोनों के पूरा पूरा हक बा। दादी का कहा था नहीं आप? ना आई एम सॉरी हम ये सवाल आपसे करता नहीं दादी। का कहा था नहीं आप? बहन जी ऐसा कैसे हो सकेला? अम्मा जी हाँ कहा कहत बानी? बस जौन कुछ भी कैली हमरा से बदला लेवे खातिर कैली, हमरा तकलीफ पहुंचावे खातिर कैली, ऐसे एकर का करे के बा वो फैसला हमार होई। सिर्फ हमार। चलावा गोली और करला अपन बदला पूरा। बहुत नफरत करेलू ना हमरा से हमार माँ से। हम कहता नहीं चलावा गोली और करा अपन नफरत पूरा। का सोच रहल बाड़ू दुश्मन तो हर सामने खड़ी बारी बंदूक होकर माथा पे बा। चलावा गोली चलावा ना चलावा निकाल ला अपन नफरत ले ला हमार जान चला ना गोली। निकल गल सारा हेकड़ी नहीं बना ही मत आंख में आंख डाल के गोली चलावे के औकात ही नहीं के दोहार नहीं के औकात। बदला लेबू हमरा से। तू जे चाहे सोचला लेकिन हम तोके गोली ना मारब तोके गोली। कहे कि हम तोहर जान ना शान मारे के चाहत बानी। हम तोहर बदन के खून ना आंखों में आंसू देखे के चाहत बानी। तोहर बदन के बेजान ना देखे के चाहत बानी। हर आत्मा की तड़पत देखे के चाहत बानी। याद बा हमार गला में मंगलसूत्र देखे तहार जे हाल भइल रहे उहे नजारा हमार जिंदगी के सबसे कीमती पल। और ऊ पल हम बार बार देखे के चाहत बानी। तहार बेबसी तहार दर्द हमार मलहम बा। अगर आज हम अपन दादी के प्यार के बिना जियत पानी तो के भी किशन के प्यार के बिना जिए के पड़ी। ये हमार बदला बा। और हमार आंटी जी ने सॉरी बड़ी सासू माँ हमके अपन बहू के रूप में स्वीकार कर ले बाड़ी और आगे जाके पूरा फैमिली भी कर ली। तहार का होए, तहार पास का बची, तहार पास कुछ ना बची सिवाय दर्द, हारल प्यार और ढेर सारा बेबसी। अभी तक बस शुरुआत बा, तू अभी से रोवत बाड़ू। अभी तक तो के पूरा जिंदगी रोए के बा। ला अपन आंसू पोछ ला। जब जब तो के रुलाए तहार आसपास हो तो के रोवत देखे से अच्छा हमरा खातिर कुछ और हो ही ना सकीला। रुका, यह अग्नि के साक्षी मान के हम फेरा ले ले रानी। अब यह अग्नि के साक्षी मान के हम बतावतानी कि किशन हमार रहे और हमार ही रही। तोहार हर जायज हर नाजायज बात के हम टालत रहनी, हमार रिश्ता बीच में आवत रहे। लेकिन आज तू हमार और किशन के रिश्ता के बीच में आयल बाड़ू ना। ता अब हम अपन प्यार के पावे खातिर कौनो भी हद तक जाइब, कौनो भी हद तक समझ लू। ये देखा हमार गला में मंगलसूत्र, ये देखा हमार मांग में किशन के नाम के सिंदूर। रहल उतहार प्यार, लेकिन आज से अभी से ई पल से वो हमार पति बा। तो ये बात के माना या ना माना, लेकिन किशन हमार हो चुकल बानी। किशन, हम सोच ले रानी, कल के सूरज के साथ हम आपके हाथ थाम के एक नया जिंदगी की शुरुआत करा। आपके नाम के सिंदूर होई, आपके नाम के मंगलसूत्र हम अपन गला में सजाई, लेकिन ये सब का हो गए। अग्नि, हम जाने नहीं कि तू कौना दर्द से गुजरता, हम भी बिल्कुल वह दर्द से गुजरता नहीं अग्नि। हम के पूरा एहसास पा तारा दर्द के, लेकिन देखा ना, हम तारा से ये भी ना कर सकेली कि रुक जा तनी देर, ई दर्द के सहला, काहे कि हमके पता ही नहीं कि तारा ई दर्द कब तक सहे के पड़ी, कब तहार सपना फिर से पूरा हुई। लेकिन हाँ अग्नि, आज हम आज तहरा से वादा करता नहीं अग्नि, जौन तहार हक बा ओकरा तहरा से केहू ना छीन पाई। साक्षी, आज तू एक ना 3 जिंदगी बर्बाद कर ले बाड़ू। You will have to pay for it। लगता हमने के घर के केहू के नजर लाग गइल बा। तबो तो एक खुशी के माहौल में भी मातम छाइल बा। चला, सब लोग कुछ थोड़ा सा खा ला। रेवती बहन ऐसे ही चलत रही तो अग्नि के ध्यान के रखी। कैसे संभाली अपने आप के, एकरे खिलाफ खड़ा होगी हम। आस्तीन के सांप निकलल साक्षी, अपने ही बहन के जौन उड्डस लिहलस, जौन कुछ भी भइल ओकरे बाद हम कैसे गर्दन उठाई। इससे अच्छा तो होके कि हम जोहर खा के मर जाए। सुननी हम बड़ी जेठानी जी, रेवती काकी का कह रहल बड़ी, नागिन है साक्षी और आप ऐसा जहरीली नागिन के वापस घर में लावल चाहते नहीं, और वो अपने सगा बेटे के खिलाफ जाके ये आप ठीक नहीं करत बड़ जेठानी जी। सोच समझ के बोला, तोहरे जैसन अब वो घर के बहू है। देवी, तू एगो ऐसा लड़की के कैसे अपने बहू के दर्जा दे सकेलू जौन अपनी बहन के घर जनवाऊ फूक दिहलस, ओकरे गृहस्थी में आग लगाकर खुद के गृहस्थी जनवाऊ बसावे चलल बिया। अरे ये लड़की सबके दिल दुखा के किशन के खुश रख पाई। चाची जी, अग्नि के साथ जोन भइल, यकीन मानी ओ बात के हमो के बहुत दुख बा, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि किशन साक्षी के मांग भर ले हो, और हमने सारा औरत सिंदूर और मंगलसूत्र के महत्व तो समझे नहीं के, तो ओ हिसाब से सुहागिन तो साक्षी कहलाई ना। आप सब लोग इस शादी की जितना जल्दी हो सके मान ली। शादी तक किशन के अग्नि के साथ ही होगी, अगर साक्षी बीच में ना आई तो। मगर साक्षी बीच में आयल ना, और हमने के किशन ही साक्षी के मांग भरलस, ए बात के ना बदलल जा सकेला और ना ही छुटलायल जा सकेला। ए सच के आप लोग जितना जल्दी स्वीकार कर ले उतना अच्छा होगी। हमके माफ कर दो देवी, लेकिन अन्याय चाहे केहू के भी साथ होके हम बर्दाश्त ना कर पाए। अग्नि के साथ हम अन्याय ना होके दे। बस शांत हो जा तू दोनों। सच्चाई तई बा कि आधा फेरा अग्नि ले बाड़ी और आधा साक्षी, और ये दोनों लड़कियन के किशन पे आधा आधा हक बा। जैसे ही देवी और याशी बहू एक दूसरा के सौदन। हाँ ना अम्मा जी, हमके यहाँ से ले चला। चलो। साक्षी, उठा। हम कहनी उठा। चला हमरे साथ। सविता यहीं रुकी। जी अच्छा। साक्षी बहू, हम के अंदर ले चला। हम कैसे? साक्षी बेटा, हम कहने हमके लेके अंदर चला। गेलू तू? साक्षी बहू, अपना कमरा में जा। लेकिन आंटी जी। साक्षी बहू तू सुन लो ना कि हम का कहनी। अपना कमरा में जा। रुक जा, रुक जा, रुक जा। साक्षी के ई कमरा में बिल्कुल जगह नहीं है। किशन, साक्षी के रास्ता छोड़ा ना माँ, बिल्कुल भी ना। आज से एक कमरा में साक्षी के भी उतना ही हक है जितना कि तुहार। तू मांग भर ले बड़ा एकर धोखा से। ठीक बा, धोखा से ही सही, लेकिन तोके ए बात का एहसास तो बा ना कि तुहार रिश्ता जुड़ल बा के साथ में। तू चाहे साक्षी के अपने पत्नी का दर्जा दो या ना दो, लेकिन हमरे बहु साक्षी के एक कमरा में उतना ही हक बा आज से जितना कि तुहार बा। साक्षी बेटा, तू अंदर जा। ना, बिल्कुल ना। किशन, तो के कसम बा हमार, अगर तू साक्षी के रुकला तो साक्षी बहू अंदर जा। सविता, हमके लेके चली यहां से। तो फिर ठीक बा, बैठी रहा तू हिचे। वैसे भी तोरा जैसन लड़की जे अपन बहन के ना समझ सकेगी, वो हमार जज्बात के का समझी। कोनो उम्मीद के लायक नहीं थू तू साक्षी, कोनो उम्मीद के ना। ई हमार पति के कमरा बा। तू यहाँ का कर रहल बाड़ू? का तू देवी आंटी के सपोर्ट से हमार हक मार लेबू और हम कोनो कोना में बैठ के आंसू बहावत रहब? एक बात ध्यान रखिया, देवी आंटी के सपोर्ट से तू सिर्फ किशन के कमरा तक आ सकेलू, ओकर दिल तक ना पहुंच सकेलू। पता बा काहे? काहे कि किशन के दिल में सिर्फ अग्नि बसेली और किशन पर हक सिर्फ अग्नि के बा। समझ लू तू? हक अब उनका पे हमार भी बा। का बाना हम उनके साथ अग्नि फेरा ले ले बानी और उहे अग्नि के साक्षी मान के हम हूँ अग्नि फेरा ले ले बानी उनकरा साथ। जे बोले के बाप बोला, अब तक कोनो फर्क ना पड़ेला। अगर किशन के साथ तहार आधा फेरा भइल बा तब किशन के साथ हमार आधा शादी भइल बा। किशन के बीवी बने के हक अगर तोहके बा तो हमके भी बा। हम तो भैया यहीं पर है। का भइल? पता चलल कुछ बात भइल ओकरा से? कहां बा? ना पता ना कहां गइल बा, का करत बा और फोन भी ना उठात बाड़े। के फोन ने के उठावत? के ने के मिल पावत? छिछी, आपके बेटा किशन सारा रात से घर नहीं आइल का और ना ही फोन उठा रहल बा। किशन घर पे नहीं खे और हमके बात की खबर तक नहीं खे। छिछी, ऊ हां किशन 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 कहाँ चल गए रहले तू बोला? और फोन में ना उठात रहे। पता बा हम सब कितना परेशान हो गए रहनी। सविता चाची प्लीज किशन खातिर जरा एक गिलास पानी ले आई। जी अभी लेके आवत आनी बोला किशन। किशन काहे अपने माँ के इतना सा छोड़ के चल जाला? अरे हमरे बारे में मत सोचा, कम से कम साक्षी के बारे में इतना सोचा। पत्नी है वो तुहार, तोहरे ऐसे चल गईले से का गुजरल हो क्यों करा पर? मॉम प्लीज प्लीज स्टॉप इट प्लीज। किशन जीजी आपके हो का गइल बा? साक्षी के आगे आपके अपन बेटा के दर्द नजर ना आवता? हमार बेटा तकलीफ में बा, बहुत तकलीफ में बा। इतना क्यों घर छोड़ के चल गई? आप माँ बानी होकर फिर भी आपके ऊपर आंसू नजर ना आवता? 9 महीना हम किशन के अपने कोख में पल्ले बानी, माँ बने के दर्द से गुजरल बानी हम। लेकिन तोहरा के ताके कैसे पता चली सब? तू तो दर्द से गुजरल नहीं खूना। ऐसे माँ का हो खेली, माँ कैसी हो खेली, तो हमरा के नहीं बतावा तो अच्छा होखी।